और भाई लोग, क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्कवरिंग टर्ट द सागा कंटिन्यूअस चैप्टर के बारे में। मैं जानता हूँ तुम लोग काफी दिनों से इस चैप्टर का इंतजार कर रहे हो और मैं भी काफी दिनों से इस चैप्टर को रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों हर बार जब भी मैं बैठता हूँ मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि रिकॉर्ड कर ही नहीं पाता हूँ। शायद हो सकता है कि ये टट का श्राप हो, क्योंकि आज हम लोग प्राचीन मिश्र के 18वें राजवंश के अंतिम राजा टट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका पूरा नाम तूतन खातेन था, जिसको उसने बाद में बदलकर तूतन खामून कर लिया। तो चलो देखते हैं कि तूतन खातेन ने अपना नाम बदलकर तूतन खामून क्यों कर लिया, क्या है इसके पीछे का रहस्य और कौन है ये तूतन खामून। मात्र 11 साल की उम्र में उसे राजा बना दिया गया और लगभग 19 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। जब वो मरा तब भी वो एक टीनेजर था। वो उस शक्तिशाली परिवार का अंतिम वंशज था जिन्होंने इजिप्ट और इजिप्ट के लोगों पर शताब्दियों तक राज किया। टट के मरने के बाद उसे सोने के साथ दफना दिया गया और हमेशा के लिए भुला दिया गया। और फिर आया वो दिन जब 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने टट के मकबरे को ढूंढा। उस समय की मॉडर्न दुनिया इस बात का अनुमान लगाने में लगी हुई थी कि टट के साथ क्या हुआ होगा, वो कैसे मरा होगा। ज्यादातर लोगों का मानना था कि उसकी हत्या कर दी गई थी। टट के मकबरे को ढूंढने के लगभग 80 साल बाद पहली दफा उसे सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया, जिससे जीवन और मृत्यु के बारे में कई सारे नए सुराग मिले। उस बॉयश फारो की सारी डेटा फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन टीम को भेजी गई ताकि वो उसके हुलिये का सही अंदाजा लगा सके। बॉयश फारो यहाँ पर टट को कहा गया है। बॉयश मतलब चाइल्ड और फारो का इजिप्ट में मतलब होता है किंग, मतलब वो छोटा राजा जो 19 साल की उम्र में मर गया था, यानी कि टट। जब उसे सीटी स्कैन के लिए उसके कब्र से निकाला गया तो तेज रेतीली हवाएं बहने लगी। अचानक ही आसमान में काले बादल मंडराने लगे। टट के कब्र को एंशिएंट इजिप्ट सेमेट्री में दफनाया गया था, जिसे वैली ऑफ द किंग के नाम से भी जाना जाता है। 5 जनवरी 2005 शाम के 6 बजे दुनिया के सबसे मशहूर ममी को पहली दफा सीटी स्कैनर में सर के बल डाला गया ताकि उस युवा शासक के जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में पता लगाया जा सके, जिसे मरे 3,300 साल से भी ज्यादा हो गया। उस दोपहर दुनिया भर से आए टूरिस्ट टट के मकबरे को देखना चाहते थे, जो जमीन से 26 फीट नीचे चट्टानों को काटकर एक छोटी सी चार दीवारी में रखा हुआ था। सारे लोग बड़ी ही हैरानी से दीवारों पे बनी हुई चित्रों को देख रहे थे। टट के बॉडी को ढकने वाले ढक्कन पे बने चेहरे को बड़ी ही आश्चर्यपूर्वक तरीके से देख रहे थे। मतलब जो टट का कॉफिन था ना, जिसके अंदर टट की एक्चुअल बॉडी रखी हुई थी, उस पे जो मम्मी का शेप बनाया हुआ था, उसको वो लोग बहुत ही आश्चर्यपूर्वक देख रहे थे, बड़ी ही हैरानी के साथ देख रहे थे। क्योंकि यार 3,300 साल पुरानी बॉडी को देखना एक अपने आप में, समझ रहे हो, भयानक दृश्य होता है। कुछ विजिटर्स फुसफुसाकर गाइडबुक पढ़ रहे थे तो कुछ टट के डेथ के बारे में सोच रहे थे। वो लोग ये सोचकर कांप उठे कि क्या सच में फारोह का अभिशाप सत्य हो सकता है। दरअसल टट के बारे में एक अभिशाप था कि जो कोई भी उसके कब्र को खोदेगा या उसकी शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। जाही हवास, जो कि उस समय के सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटी थे, उन्होंने कार्टर पे इंजाम लगाते हुए कहा कि सन 1920 में कार्टर ने जो कुछ भी किया उसके कारण मम्मी बहुत ही खराब हालत में है। कार्टर वही व्यक्ति है जिसने 1922 में टट के मकबरे को कई सालों की मुशक्कत के बाद ढूंढा था। कार्टर का पूरा नाम हार्वर्ड कार्टर है और वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है। अब जाहिर हवास ने कार्टर पे इल्जाम इसलिए लगाया क्योंकि कार्टर ने टट की बॉडी को निकालने के लिए उसे छेनी हथौड़ी से काट दिया था। कार्टर ने ऐसा क्यों किया और क्या सच में टट की बॉडी को कोई नुकसान हुआ था, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। हालांकि जाहिर हवास ने एक बात क्लियर कर दी थी कि जितनी भी एंटीक्विटी है, मतलब जो भी सोने चांदी और जवाहरात वगैरह हैं, वो सब के सब कंप्लीट थे। कार्टर ने उसमें से कुछ भी नहीं चुराया था। देखो, इजिप्ट के जो लोग हैं ना, वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते हैं। तो जब टट को दफनाया गया तो उस समय उनके जो भी डेली यूजर्स के सामान थे, जैसे कि बोर्ड गेम्स, रेजर, वाइन, फूड, इन सब को भी उसके साथ साथ दफनाया गया था ताकि जब वो पुनर्जन्म ले तब इन सब चीजों का यूज कर सके। जितने भी रॉयल कलेक्शन थे ना, जो फारोह के पार्ट का एक हिस्सा था, उन सबको दफनाया गया था। और ये बात लोगों के बीच में एक सनसनी की तरह फैल गई।
लोग आपस में बातचीत करने लगे। अरे यार, टट की बॉडी के साथ बहुत सारे सोने चांदी जवाहरात हीरे वगैरह मिले हैं, और मैंने तो ये भी सुना है कि उसके चप्पल कपड़े सब के सब सोने के हैं, ऐसा ना न्यूज में बता रहे थे। मतलब लोग आपस में ऐसी ऐसी बातें करने लगे। महीनों तक कार्टर ने उन कीमती सामानों पर रिसर्च किया और फिर उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन थ्री नेस्टेड कॉफिन पे शुरू की। थ्री नेस्टेड कॉफिन का मतलब है एक कॉफिन के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर तीसरा। जैसे हम लोग एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा और फिर दूसरे के अंदर तीसरा डब्बा रखते हैं, वैसा ही। जब कार्टर ने पहला कॉफिन खोला तो उसे एक कफन मिला जो विलो के पुष्पों की माला, जैतून के पत्ते, जंगली आजमाइन, कमल की पंखुड़ियां और मक्के के फूलों की मालाओं से सजा हुआ था, जिससे हमें यह पता लगता है कि टट को मार्च या अप्रैल के महीने में दफनाया गया होगा। फाइनली जब कार्टर मम्मी तक पहुंचे तो वो एक प्रॉब्लम में आ गए। प्रॉब्लम ये थी कि जो टट की बॉडी थी ना, वो उस सोने के ताबूत से चिपकी हुई थी। पूरी ताकत लगाने के बाद भी किंग टट की बॉडी बाहर नहीं आ रही थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कार्टर ने रिपोर्ट में लिखा कि हम इस सिचुएशन में करें तो करें क्या। अब देखो, साउथ इजिप्ट में ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो कार्टर ने सोचा कि धूप की गर्मी से वो जो चिपचिपा सामान है पिघल जाएगा और आसानी से बॉडी बाहर निकल जाएगी। कार्टर ने कई घंटों तक मम्मी को बाहर चमचमाती धूप में रख दिया। 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर जाने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अंत में कार्टर ने छेनी हथौड़ी से काटकर बॉडी को बाहर निकाला और अपने रिपोर्ट में साइंटिफिक टर्म में ये सारी घटनाओं को लिख दिया। और जब जाहिर हवास ने कार्टर पर इसको लेकर इंजाम लगाया तो कार्टर के पास अपने डिफेंस में कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। कार्टर ने बस इतना कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो चोर सारे सोने वगैरह चुरा कर ले जाते और बॉडी को वहीं सरने के लिए छोड़ देते, क्योंकि यार जो कॉफिन था ना वो सोने का था, तो ऑब्वियसली चोर उस कॉफिन को चुरा कर ले जाते। टट के टाइम के जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो लोग बहुत ही अमीर हुआ करते थे, और तुमको तो पता ही होगा कि वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते हैं। तो जो भी कीमती ज्वेलरीज वगैरह थी वो टट के साथ साथ ही रखी गई थी ताकि वो अगली दुनिया में इसका उपयोग कर सके। काफी सारी चीजें रखी गई थी, जैसे कि अंगूठियां, ताबीज, चोगे, हाथ और पैर के आभूषण, सोने से जरा हुआ युद्ध का कवच भी पहनाया गया था उन्हें, और भी काफी कीमती कीमती चीजें थी। कार्टर के लोगों ने मम्मी को सही सलामत आभूषण से अलग किया। टट के जितने भी जॉइंट्स थे उनको अलग अलग करके चीजों को निकाला गया था और फिर बाद में उन सबको वापस से जोड़ा गया और फिर एक लकड़ी के संदूक में रेत के परत पे लेटा दिया गया। आज भी टट की बॉडी वहीं पर आराम कर रही है। तुम लोग इमेजिन कर सकते हो कि कैसे यार एक एक चीजों को अलग अलग किया गया होगा, हाथ को अलग, पैर को अलग, सर को अलग कर करके उनके जितने भी जेवर वगैरह थे, जो भी आभूषण थे, उनको निकाला गया होगा। मतलब कैसे यार उन लोग को डर नहीं लग रहा क्या, एक डेड बॉडी के साथ वो लोग ऐसा सा कर रहे हैं? बाप रे, आज के लोग खजाने से ज्यादा जीवन और मृत्यु के रहस्यों में रुचि रखते हैं। कार्टर के डिस्कवरी के लगभग 40 साल बाद 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया, जिसमें उन्हें एक चौंका देने वाली बात पता चली कि किंग टट की छाती की हड्डियां और सामने की पसलियां गायब है। ये बात बड़ी ही अजीब थी। हालांकि उस समय की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में आसमान जमीन का फर्क है। आज हम लोग कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन के माध्यम से सैकड़ों एक्सरे किरणें डाल सकते हैं, जिससे एक ब्रेड के टुकड़े की तरह 3D वर्चुअल बॉडी बनाई जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि सीटी स्कैन से टट के बारे में और क्या क्या पता चला जो एक सिंपल एक्सरे से पता लगाना मुश्किल था, और क्या ये उन दो बड़े सवालों का जवाब दे पाएगी या नहीं। पहला कि वो कैसे मरे, और दूसरा कि वो कितने साल के थे जब वो मरे। शाही मापदंडों के आधार पर किंग टट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। वो अपने परिवार के अंतिम सदस्य थे। उनके मरने के बाद उनके वंशज के लिए मौत की घंटी थी। उनके मरने के बाद उनके लोगों के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। अमेनहोटेप III टट के पिता या शायद दादा थे, एक शक्तिशाली फारोह के 18वें वंशज के शासक, जिन्होंने लगभग 4 दशकों तक शासन किया। उसका पुत्र अमेनहोटेप IV उसका उत्तराधिकारी बना और प्राचीन मिस्र के इतिहास में एक विचित्र युग की शुरुआत की। उस नए फारोह ने एटेन यानी कि सूर्य के चक्र की पूजा को बढ़ावा दिया और अपने नाम को बदलकर एखेंटेन रख लिया, जिसका अर्थ है एटेन का दास। उसने रिलीजियस कैपिटल जो कि पहले थेबेस की ओल्ड सिटी में हुआ करती थी, उसको मूव करके एखेंटेन की न्यू सिटी में कर दिया, जो अब अमराना के नाम से विख्यात है।
ये सिलसिला यहां भी नहीं रुका। उसने एक प्रमुख देवता अमून पे आक्रमण करके उसकी मूर्तियां तोड़ दी और सारी मंदिरों को बंद करवा दिया। प्राचीन थेबेस के लक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर रे जॉनसन ने कहा कि ये अवश्य ही एक भयानक काल रहा होगा। जिस परिवार ने शताब्दियों तक राज किया अब समाप्त हो रहा था। दिन प्रतिदिन नखेंटन सन की होता जा रहा था और आखिरकार उसकी मृत्यु हो गई। एखेंटन के मरने के बाद समेंख करे नाम के एक रहस्यमय शासक ने कुछ समय के लिए राज किया और फिर युवा तूतेन खातेन ने सिंहासन संभाला, जिसे आज पूरे संसार में टट के नाम से जाना जाता है। टट ने जल्द ही अपना नाम बदलकर तूतेन खामून कर लिया ताकि वो अपने देवता आमून यानी सूर्य की पूजा वापस से शुरू कर सके। उसने पुराने तौर तरीकों को वापस से अपना लिया और लगभग 9 वर्ष तक राज किया। फिर उसकी अचानक ही मृत्यु हो गई। तुम लोग को पता होगा कि जब भी कोई इजिप्ट में मरता है तो उसका ममीफिकेशन किया जाता है, यानी कि उसकी बॉडी को बहुत ही टाइटली बांध कर उसे हमेशा के लिए दफना दिया जाता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टट एक राजा था या फिर बहुत ही प्रसिद्ध इंसान था तो इसीलिए उसका ममीफिकेशन किया गया। इजिप्ट में बहुत सारी ममीज है जिसमें से टट की भी एक ममी है। टोटल कितनी ममीज है ये किसी को नहीं पता। और यही बात जानने के लिए 2003 में द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, जिसका एक ही उद्देश्य था कि जितने भी ममीज है उन सब पर स्टडी किया जाए, उनकी जांच पड़ताल की जाए। ऑलमोस्ट 600 ममीज का पता लगाया गया और अब भी काउंट किया जा रहा है। जब उन्होंने 600 ममीज का पता लगा लिया तब उनका दूसरा काम था कि वो उस ममीज को सिटी मशीन में डाले, जो कि डोनेट किया गया था नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड साइमंस के द्वारा, जो कि इसके मैन्युफैक्चरर हैं। जीते जी तो टट ने राजा की जिंदगी जी ही जी, लेकिन मरने के बावजूद भी वो हमेशा एक राजा की तरह ही रहे। किंग टट की ही मम्मी थी जो पहली बार सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया था। मतलब 600 ममीज में से किंग टट की जो मम्मी थी वो सबसे पहली मम्मी थी। मरने के बाद भी वो टॉप पे ही है। सर से लेके पांव तक टट को स्कैन किया गया सिटी मशीन के द्वारा और 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस निकाली गई। टट के हेड को 0.62 मिलीमीटर स्लाइस पे स्कैन किया जा रहा था, मतलब इतने इतने डिस्टेंस पर छोटे छोटे इमेजेस निकाले जा रहे थे ताकि उसके चेहरे का उसके हुलिये का सही अंदाजा लगाया जा सके। कुछ धुंधली सी तस्वीर आई जिससे टट के हेड का थोड़ा मोड़ा पता चला और फिर पूरी की पूरी बॉडी को स्कैन किया गया। जब टट की पूरी बॉडी को स्कैन कर लिया गया, सारे डेटाज वगैरह ले लिए गए, जितने भी एक्सरे इमेजेस हैं वो सब ले लिए गए, तब एक स्पेशलिस्ट टीम को बुलाया गया जिसमें रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक और एनाटॉमी की टीम थी। रेडियोलॉजी जो है वो एक्सरे को देखेगी, ऑब्जर्व करेगी, उसका हुलिया वगैरह बताएगी। फॉरेंसिक टीम जो है वो उसके मर्डर के बारे में बताएगी कि जो किंग टट है उसका मर्डर कैसे हुआ, वो मरा कैसे, इसके बारे में बताएगी। और जो एनाटॉमी की टीम है वो जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताएगी। वो लोग यार बॉडी पर रिसर्च करते हैं तो उस पर रिसर्च करेंगे और फिर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन हमें बताएंगे, क्योंकि अभी तक किसी को भी किंग टट के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी सिवाय उस देवी के जो इतने सालों से किंग टट की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही थी। इजिप्ट की एक देवी है ओसिरिस, जो कि मरने के बाद मकबरे की हिफाजत करती है। जैसे हमारे यहाँ यमराज होते हैं ना, कि हमारे मरने के बाद हम लोग यमराज से मिलते हैं, वैसे ही वहां पर उनकी भी एक देवी है जो कि इतने सालों से किंग टट की बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है और वो सब कुछ जानती है कि टट की मृत्यु कैसे हुई, वो कैसे मरा, ये बात उनको पता है। जैसे यमराज को पता होता है कि हम कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, वैसे ही उनको भी पता है। जिस रात टट की बॉडी को स्कैन किया जाना था उस रात जो वर्कमैन थे वो टट की बॉडी को उसके टूम से बाहर निकालते हैं, क्योंकि उसकी बॉडी जमीन के 26 फीट नीचे थी तो एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से उसकी बॉडी को ऊपर निकाला गया। उसे कंधे पर दो व्यक्ति ऊपर की ओर लेके आए और सिटी स्कैन में डाला गया। और जब वो बाहर उस बॉडी को निकाल रहे थे तो बाहर मौसम बहुत ही भयानक हो रहा था। लगभग 20 मिनट बाद दो व्यक्ति दौड़ते हुए ऑफिस में जाते हैं और वहां से एक वाइट प्लास्टिक फैन लेकर आते हैं। हुआ यूं कि जैसे ही टट की बॉडी सिटी स्कैन के लिए मशीन में डाली गई तो मिलियन डॉलर स्कैनर अचानक से बंद पड़ गया। ये फरोह का अभिशाप था। ऐसा वास्तव में कुछ नहीं था, बस वहां के एक गार्ड ने नर्वस होकर ये बात बोली थी ताकि वो सबको डरा सके। हुआ ये था कि जो सिटी स्कैन मशीन है ना उसके अंदर बालू घुस गया था और उसके कारण वो बंद पड़ गई थी। ऐसा कुछ नहीं था कि अभिशाप था इसलिए वो बंद हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी आज से पहले यही सोच रहा था कि हो सकता है टट का अभिशाप है इसी कारण मैं इस चैप्टर को पढ़ा नहीं पा रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने 3-4 बार रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था किसी वजह से। वो दो लोग जो फैन लेने गए थे वो आते हैं और फिर सिटी मशीन में फैन को चेंज करते हैं और फिर से सारा काम होता है।
और जब अच्छे से टट की बॉडी को स्कैन कर लिया गया, टेक्नीशियन ने ये चीज़ देख ली कि कोई भी डेटा वगैरह का लॉस नहीं हुआ है, तब टेक्नीशियन ने मजदूर को कहा कि अब जाओ और इनकी बॉडी को वापस से वहीं पर रख दो जहां से तुम लेके आए थे, और वापस से टट को सोने के लिए छोड़ दिया गया, यानी कि उसको उसके टूम में वापस रख दिया गया और हमेशा हमेशा के लिए सोने के लिए छोड़ दिया गया। टट की बॉडी को स्कैन करने में 3 घंटे से भी कम लगा, और स्कैन होने के बाद वापस से टट की बॉडी को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया गया, मतलब वापस से उसको कॉफिन में बंद करके हमेशा हमेशा के लिए सोने के लिए रख दिया गया, जहां पहले पुजारियों ने उसे रखा था वहीं पर वापस से रख दिया गया। ये सारा चीज होने के बाद टेक्नीशियन ने जो भी इमेजेस ली थी सीटी स्कैन के द्वारा उन सबको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया, जितने भी पिक्सल्स थे उन सबको जोड़ा, और जोड़ने के बाद एक इमेज मिला, एक ग्रे कलर का हेड का इमेज मिला, जिसको उस टेक्नीशियन ने चारों तरफ घुमा घुमा कर दिखाया, साइड से, आगे से, पीछे से, बाजू से, सब जगह से दिखाया उसको। टट के जो नेक के बोन्स थे ना, वो इतने क्लियर दिख रहे थे कि मानो ऐसा लग रहा था कि हम किसी एनाटॉमी क्लास में बैठे हुए हैं और स्टडी कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके सारी इमेजेस दिखाई गई, पहले हाथ की दिखाई गई, फिर जो रिब्स थी उनकी दिखाई गई, फिर स्कल की दिखाई गई, मतलब जितने भी इमेजेस ली गई थी सीटी स्कैन द्वारा उन सबको दिखाया गया। किसे दिखाया जा रहा है? जो प्रोफेसर्स थे उनको दिखाया जा रहा है, और जो जाही हवास था ना वो भी था वहां पर, तो उनको भी दिखाया जा रहा था। अब जब सारी चीजें हो गई तो सब लोग रिलैक्स फील कर रहे थे। जाही हवास, जिसने कार्टर पे इंजाम लगाया था, वो एक चेयर पर रिलैक्स होकर बैठता है और बोलता है कि कुछ भी ऐसा गलत नहीं हुआ जैसा मैं सोच रहा था। कल पूरी रात मैं सोया नहीं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि कोई भी टेंशन की बात नहीं है और मैं आराम से जाकर सो सकता हूँ। मतलब जिस जाही हवास ने कार्टर पर इल्जाम लगाया था कि उसने उसके बॉडी को नुकसान पहुंचाया, टट की बॉडी को नुकसान पहुंचाया है, अब वो वापस से आकर कह रहे हैं कि टट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, यानी कि जो भी इल्जाम वगैरह कार्टर पर लगाया गया था उसको वापस से ले लिया गया। अब जब टट की बॉडी को वापस से हाइड्रोलिक लिफ्ट से नीचे लाया जा रहा था तो जो बाहर का मौसम था ना वो एकदम शांत हो गया। पहले जब ऊपर ले जा रहे थे सीटी स्कैन के लिए तो एकदम भयानक मौसम हो गया, चारों तरफ रेतीली हवाएं चलने लगी, काले बादल मंडरा गए, और अब जब वापस से उसे रखने जा रहे हैं तो सब चीज़ धीरे धीरे शांत हो गया। ऐसा लग रहा था मानो मौत आ गई हो, एकदम शांत। जो वैली ऑफ डिपार्टेड था वो एकदम कब्रिस्तान की तरह लग रहा था, हालांकि वो एक तरह का कब्रिस्तान ही है, वैली ऑफ डिपार्टेड या वैली ऑफ किंग को ही कहा गया है। जहां पर टट की बॉडी को दफनाया गया है उस वैली ऑफ किंग में, जस्ट उसके ऊपर ओरियन नाम का कॉन्स्टलेशन है। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है कुछ स्टार्स को बनाकर एक फिगर बनती है, उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो जो पुराने जमाने के इजिप्ट के लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि उनकी देवी जो है, जिसका नाम ओरिसिस था, वो वहां पर रहती है। उस ओरियन कॉन्स्टलेशन में उनकी आत्मा रहती है, किंग टट के मकबरे के जस्ट ऊपर आसमान में, और वो वहां से उस बच्चे को देख रहे हैं, वो बच्चा जो राजा था यानी कि टट को, ऊपर से वो देख रहे हैं। ऐसा इजिप्ट के पुराने जमाने के लोगों का मानना था। पता नहीं उन लोगों का कौन कौन से देवी देवताओं हैं, होगा उन लोगों का कुछ कुछ मानते होंगे, कुछ देवी देवताओं में बिलीव करते होंगे वो, जैसा हम करते हैं कि हमारे यहाँ यमराज जो है मरने के बाद तेल में उबालता है, जो भी पापी लोग होते हैं उनको उबालता है, मेरे को नहीं उबालेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को समझने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आई होगी, तो मैं बस उनसे यही कहना चाहूंगा कि इस चैप्टर में हम लोगों ने इजिप्ट के राजा टट के बारे में पढ़ा है। उनके मरने के बाद उनको दफना दिया गया था, और फिर 1922 में हावर्ड कार्टर नाम के एक व्यक्ति ने उनके लाश को, यानी कि उनकी बॉडी को निकाला जमीन से, उनको खोजा, और खोजने के बाद उस पर रिसर्च की। अब होते हैं कुछ लोग जो बॉडी पर रिसर्च करते हैं, सबके अलग अलग शौक होते हैं, तुम्हारे भी कुछ शौक होंगे। खैर, मैं आशा करता हूँ कि तुमको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो बस यार, यहीं पर तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा यार तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। मानता हूँ मैंने काफ़ी लेट वीडियो डाली है, लेकिन क्या करें यार, टट का अभिशाप जो था। ठीक है यार, अब देखो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, उसको यार टट का अभिशाप लगेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब मारो, फ्री का यार, कर लो। मुझसे बातें करने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए यार इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करो, मैं तुमको वहां पर जरूर रिप्लाई दूंगा। चलो, तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। बाय।